अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है सारे। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। ये हैं जवाद वासी साहब, इस टाइम ये बना रहे हैं, देखें सब्जी सब्जी हमारी वो पड़ी हुई है, बाकी ये सारी चीज़ें इधर रखी हुई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ बनाने की, क्योंकि सही तरह से है तो अभी हम ट्रेन नहीं हैं जो हर चीज़ इतनी आसानी से और इजीली बना सकें। तो अभी हमने ये थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके साथ ऊपर प्याज डाला है, अभी ये साथ टमाटर डाल रहे हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ये परदेश की ज़िंदगी है, क्या करें, सारे काम खुद ही करने पड़ जाते हैं कभी कभी ना। तो ज़्यादातर लोग जो परदेश में हैं उनको ये बात समझ आ जाती है जो ये काम करते हैं। उन्हें नहीं पता, तो उसके बाद हम थोड़ा सा नमक सकेंगे। ये डाल रहे हैं नमक, नमक ही जारी हो गया। नए नए काम कर रहे हैं तो हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। ये साथ मिर्चें डाल रहे हैं अभी, और उसके अलावा ये आ गई हल्दी, ये आप खा के ही अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या चीज़ कितनी थी और कितनी नहीं, क्योंकि अभी कोई मिकदार का इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माशाल्लाह ग्रेवी तो बहुत अच्छी थी, बन नहीं हुई। अभी तक तो सही नज़र आ रहा है। अभी मैं जा कर बाहर से पानी लेके आया हूँ, ये हमारे पास जग पड़ा हुआ है पानी का। अभी ये डाल रहे हैं आलू, बना रहे हैं, फिर आपको चेक करवाएंगे कि हमारी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। वैसे तो आम रूटीन में हर बंदे को पता है सब्ज़ी कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। ये हमारी जो फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम हमारी तो समझ लें यही प्रैक्टिस है। अभी थोड़ा सा पानी इन्होंने डाला है इसके अंदर, ताकि वो नीचे जो है ना जल रही थी, चिपक ना जाए, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ा सा इसे हल्का हल्का करके फेरेंगे फिर, ताकि ये आलू और सुरख हो जाए। उसके बाद हम ये डालेंगे सब्ज़ी वगैरह, फिर उसके अच्छी तरह से डालेंगे। जब तक वो भी सुरख नहीं हो जाती है तब तक हम उठाते रहेंगे। फिर आने से 10-15 मिनट तक हम आलू अच्छे से फेर जाएंगे, बॉयल करते हैं आलू अच्छे से। ये अभी थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है आलू, अभी हम डालने वाले हैं सब्जी। ये डाल दिए शॉपर में की, ये अभी हमने सब्जी डाली है इसके अंदर, सब्जी थोड़ा फ्राई थी इस वजह से ये सख्त है, वो ज़्यादा है। अभी पानी डाल रहे हैं साथ, बहुत ज़्यादा सख्त है इस वजह से पानी साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसका कलर बहुत ही प्यारा, अभी देख सकते हैं आप इसका कलर। हमारे इधर कुक बैठे हुए हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, अगर किसी भी जगह कोई काम हो तो देग वगैरह बनाने के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं।